नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये अद्भुत विशेषांक श्री कैंची धाम पर आधारित है। सायंकालीन वेला है, महाराज जी अपने तखत पर विराजमान है और यूं ही आकाश की ओर महाराज जी देखे जा रहे हैं और महाराज जी श्री राम नाम का जाप करते हुए आसमान की ओर देख रहे हैं। एकाएक महाराज जी दादा मुखर्जी को आवाज लगाते हैं और दादा मुखर्जी महाराज जी के पुकारने पर अपने कार्य को छोड़कर महाराज जी के पास आ जाते हैं और महाराज जी से पूछते हैं, जी महाराज जी आपने बुलाया। तो महाराज जी आसमान में देखते हुए, अब महाराज जी की लीला है, महाराज जी कब क्या निर्देश दे दें, कब क्या ऐसा अद्भुत ज्ञान बता दें, किसी को कभी पता नहीं होता था। ऐसे ही महाराज जी दादा मुखर्जी को एक बात कहते हैं कि दादा, क्या तुम जानते हो मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या करता है, जिसके कारण वह अपनी सभी पुण्य कर्मों को, अच्छे कार्यों को खराब कर देता है अपने कृत्यों के द्वारा। तब दादा मुखर्जी बड़े ध्यान से महाराज जी की बात को सुनते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यह आधुनिक समय है, धीरे धीरे समय परिवर्तन कर रहा है और मनुष्य के व्यवहार भी, मनुष्य के विचार भी समय के अनुरूप बदलते रहेंगे। तुम देखना दादा, आने वाले समय में मनुष्य बहुत ही भोगी हो जाएगा और समय का उसे कोई भी ध्यान नहीं रहेगा। आप सभी ने एक बात और भी देखी होगी कि महाराज जी प्रत्येक कोई ना कोई अपनी अद्भुत लीला में एक ऐसा अमोघ ज्ञान हम सबको प्रदान करते हैं जो हमको जीवन में शामिल करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी ही बात महाराज जी ने दादा के साथ साझा की। महाराज जी ने कहा कि समय बदल रहा है और ऐसे ही समय बदलता रहेगा और बदलते समय के साथ साथ मनुष्य के विचार, उसके कर्म, उसके सभी जो अवस्थाएं होंगी वे परिवर्तित होंगी। तब महाराज जी आगे कहते हैं कि मनुष्य सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह जो भी उसने ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से अर्जित किया होता है, उसका व्यर्थ दिखावा करता है। उस दिखावे से वह मनुष्य सोचने लगता है कि मैंने जीवन में तरक्की कर ली है और सही मायने में वह तरक्की नहीं होती, वह व्यर्थ का घमंड होता है, व्यर्थ का दिखावा होता है, जो कि आने वाले समय में उसे पछतावे का कारण बनता है। तब महाराज जी आगे इसमें और क्रम जोड़ते हैं और कहते हैं कि व्यर्थ का दिखावा करना, घमंड करना, अपने जो भी आपने अर्जित किया है ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से, उसके दिखावे करने की बजाय उस सामर्थ्यवान अवस्था में आपको दूसरे जो भी गरीब जन हैं, सहायतार्थ उनके कार्य करने चाहिए और अपने कार्यों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो महाराज जी ने यह अद्भुत बात कही। इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए हमें इस महाराज जी के जो कथा है सूक्ष्म से, इससे सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को यह मिलता है कि महाराज जी की कही हुई बात अकाट सत्य है, आज भी उतनी प्रभावी है जितना महाराज जी ने जिस क्रम में इस बात को कहा है, और ये सत्य ही तो है। देखिए, आपको महाराज जी की जो बातें हैं उसमें एक बात सदैव अनुभव करने को मिलेगी कि महाराज जी जो भी बात कहते थे वो बहुत सामान्य सी दिखती थी। इस सामान्य सी बात में महाराज जी का जो अर्थ होता था वो बड़ा ही रहस्यमयी हुआ करता था और आज भी उतना प्रभावी है। अब महाराज जी ने जो कहा वह गलत तो नहीं है, आज के समय में यही तो है। जिसके पास जरा सा धन क्या जमा हो जाता है, वह उसका व्यर्थ दिखावा ही तो कर रहा है। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो उसका दिखावा करने की बजाय उस धन से, उस क्रम से और जिस भी प्रकार से आप सामर्थ्यवान हैं, उस प्रकार से दूसरों की सहायतार्थ कार्य करिए ना। अब देखिए, समाज में यदि एक वर्ग निचले स्तर पर है और एक वर्ग बहुत ही ऊंचाइयों तक है, तो यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग को नहीं संभालेगा तो यह पृथ्वी का चरण चलेगा कैसे, यह सृष्टि चलेगी कैसे? अगर अमीर अमीर ही होता चला गया, गरीब गरीब ही होता चला गया, तो समाज का ये जो एक प्रकार से जो समाज में अर्थवान
और अर्थहीन प्रकार की ये जो खाई है, ये तो ऐसे ही बढ़ते जाएगी। समाज का ये कार्य होगा कैसे, सृष्टि कैसे चलेगी आगे? ये तो वे ज्ञानवान लोग हैं जो आज भी अपने सामर्थ्य से दूसरों की सहायता कर रहे हैं। आप देखिए ना, किसी दीनहीन की सहायता जब आप अपने जीवन में करना प्रारंभ करते हैं, तो उससे जो मिलने वाला आशीर्वाद है, उससे मिलने वाला जो आशीष है, वो ईश्वर के आशीष के ही तो समान है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जब दूसरों की सहायतार्थ कार्य करते हैं, तो उस सहायतार्थ कार्य करने से उस व्यक्ति के मन में जो अद्भुत जो उसे एहसास होता है, जो अनुभव होता है, उसके प्रति जो आपने उसके लिए कार्य किया है, उसके लिए जो आपको आशीष देता है, वह आशीष इतना अमोघ होता है, इतना अकाट होता है, इतना सामर्थ्यवान होता है कि आपने यदि धन से, उदाहरण के स्वरूप में यदि आपने धन से किसी की सहायता की है, तो वह धन दोगुना, चौगुना और ना जाने कितनों गुना बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि आशीष एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, और सकारात्मक ऊर्जा यदि आपको मिलती रहेगी चहु दिशा से, तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में जुड़ रही है, वो और सकारात्मक चीजों को और सकारात्मक दृष्टिकोण को और सकारात्मक प्रभावों को आपके जीवन में जोड़ेगी। और सकारात्मकता के साथ जब सकारात्मकता जुड़ेगी, तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा, आपका प्रभाव भी सकारात्मक होगा, और आप आगे चल के सकारात्मक कार्य ही करेंगे। ये ऊर्जा का स्रोत है जो मैंने आपको बताया, और ये सबके बस की बात भी नहीं है। देखिए, आज आप देखिए कि समाज में कितने ऐसे जन हैं जो दूसरों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। शायद आपने बहुत कम लोग देखे हों, शायद आपको बहुत कम लोगों का अनुभव हुआ हो, और ये बात 100% सत्य है। हर किसी के बस की बात नहीं है। एक क्रमांक मैंने आप सभी के लिए बनाया है, जो कि पूर्व में शायद आपने देखा भी होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि ईश्वर से सदैव एक आशीष मानिए, और एक आशीष के लिए सदैव प्रार्थना कीजिए कि हमें देने वाला हाथ बनाए, लेने वाला हाथ नहीं। क्योंकि जो हाथ कुछ देने के लिए बढ़ रहे हैं, वो बहुत कम है इस सृष्टि में, लेने वाले हाथ ज्यादा हैं। किसी से मांगना, किसी के लिए दीनहीन होना, ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप सामर्थ्यवान हैं, आप अपने पक्ष से किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रभावी बात है। हर किसी के बस की ये बात नहीं होती, हर कोई सामर्थ्यवान नहीं है। यदि आज आप सामर्थ्यवान हैं, तो ईश्वर को बहुत शुक्रिया अदा करिए कि ईश्वर ने आपको देने वाला हाथ बनाया, दूसरों की सहायता करने वाला हाथ बनाया है। तो इसीलिए इस क्रमांक में महाराज जी ने यही आपको सिखाने का प्रयास किया है, अपनी शिक्षा से यही बताने का प्रयास किया है कि सदैव यदि आप सामर्थ्यवान हैं, यदि आप सक्षम हैं, तो आप अपने हित के अलावा दूसरे उन गरीब हितों के लिए भी सोचिए। महाराज जी ने तीन प्रमुख शिक्षाएं दी हैं, जो कि आप जानते होंगे, सदैव सेवा करना, सदैव दूसरों को भोजन उपलब्ध कराना, सदैव दूसरों के सहायतार्थ कार्य करना, सदैव सभी से प्रेम करना। ये तीन मुख्य बिंदु महाराज जी ने बताए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन काल इसी में लगाया कि सभी से महाराज जी ने प्रेम किया, सभी को समानांतर देखा, सभी की सहायतार्थ हेतु कार्य करने के लिए लोगों को भी प्रेरित किया और स्वयं भी ये कार्य किया, और सदैव दूसरों को भोजन उपलब्ध कराने की जो शिक्षा महाराज जी ने दी है, वह आज भी बहुत से भाग्यशाली लोग हैं जिसको महाराज जी की रसोई के नाम से आज चला रहे हैं। इस क्रम को, महाराज जी के इस क्रम को उन्होंने आज भी जीवंत रखा है। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो महाराज जी की रसोई को भी आज महाराज जी के प्रेरणा स्रोत होके उस कार्य को यूं ही सुचारू रूप से करा रहे हैं। जितना धन्यवाद किया जाए सहृदय, बहुत बहुत कम होगा। और महाराज जी की रसोई, मैं यही कामना करता हूँ कि जो भी लोग महाराज जी की रसोई के कार्य को चला रहे हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, इस सृष्टि का सबसे बड़ा कार्य वे कर रहे हैं। मैं उसको इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ, और जब भी महाराज जी की रसोई के जो भी क्रम मैं देखता हूँ, कभी किसी न किसी माध्यम से बहुत हृदय को बहुत ही संतोष प्राप्त होता है, और बहुत अच्छा लगता है कि महाराज जी की रसोई से आज भी महाराज जी की प्रेरणा को लेकर लोग चल रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग, उनको महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो
मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी की रसोई और इससे संबंधित और भी जो जन सहायतार्थ दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, वे इसी तरह इस क्रम को आगे लेकर चलें और महाराज जी की सभी शिक्षाओं को यूं ही जीवंत रखें। बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। मैं तहे दिल से सहृदय इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी की रसोई के जो भी प्रेरणा स्रोत जन हैं, जो भी इस क्रम को आगे लेकर चल रहे हैं, उनको सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे सभी दर्शकों से ये आग्रह करता हूं कि इसी के अनुरूप आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई छोटे क्रम से ही, चाहे एक छोटे क्रम से ही शुरुआत करें, लेकिन यदि आप दूसरों के सहायतार्थ हेतु कार्य कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। महाराज जी की आत्मा आप सभी के अंदर है, हम सभी के अंदर है। महाराज जी आज भी इस क्रम को यूं ही देख रहे हैं, यूं ही चला रहे हैं, मार्गदर्शन महाराज जी ही कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और एक बात और आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपने हृदय में महज महाराज जी को पुकार कर देखिए। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जिन लोगों को आसानी से विश्वास नहीं होता है, एक बार हृदय से पुकार कर देखिए, महाराज जी आपके जीवन में ऐसे प्रवेश करेंगे जैसे आपको लगेगा कि महाराज जी से आप कभी अलग हुए ही नहीं थे, या महाराज जी आपके लिए कभी भी अलग नहीं थे। महाराज जी सदैव आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं, क्षण क्षण आपके साथ हैं। आपके जीवन को महाराज जी एक नए मार्गदर्शन के साथ चला रहे हैं। जिन भी जनों को विश्वास करने में थोड़ी सी कमी होती है या आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार जुड़ के देखिए, महाराज जी को याद करके देखिए। आपके जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे महाराज जी की कृपा से, स्वयं महाराज जी के मार्गदर्शन में, जो कि आपने पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण क्रम है। आज भी मुझे बहुत खुशी हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ दर्शकों ने इस क्रम में मुझे प्रत्युत्तर भी किया है, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं कि महाराज जी से वे हमारे चैनल के द्वारा जुड़े और महाराज जी से आज उनके बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो उन्होंने हमारे साथ प्रतिक्रिया स्वरूप में साझा भी किए हैं, ईमेल के द्वारा भी हमें बताया है। और जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं एक तुच्छ सा सेवक महाराज जी का आज आपके लिए महाराज जी के क्रमांक के द्वारा आपको महाराज जी से किसी न किसी प्रकार से अवगत करा पा रहा हूँ। इसमें मेरा भी भाग्य है कि हमारे दर्शक हमारे इस चैनल से इतना प्रेम करते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से अपना प्रेम और इसी प्रकार से अपना सहयोग यूं ही बनाए रखिएगा और महाराज जी से संबंधित ऐसी ही जानकारी आपके लिए और भी लेकर आएंगे। और इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, महाराज जी से आशीष प्राप्त करते रहें। इसी के साथ विदा दीजिएगा, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।